भाई तू ना क्रोनो लगा के खेला कर, हर एक मैच जीतेगा। अबे नहीं, तू वुकोंग लेके खेल, ये तो पागल है। अरे तुम सबके सब दिमित्री लगा के खेलो यार। क्रोनो लगाना है, अलोक ही लगाना है, के होमर क्रोनो लेके लगाना है। तू यार देखो, आज देखो नहीं, आज रो। इतने सारे कैरेक्टर है फ्री फायर में, कौन सा लेके जाएं? जोन सा लेके जाते हैं उसी से मार खा के आते हैं। तो यार देखो, फ्री फायर में जितनी स्पीड से न्यू प्लेयर्स नहीं आते, उससे जल्दी तो इसमें कैरेक्टर आ जाते हैं। अपडेट आया तो उस पे कैरेक्टर, दिवाली आया तो गिफ्ट समझ के एक कैरेक्टर, नए साल पे एक कैरेक्टर, और अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी का बर्थडे आता है तो उस दिन भी उसका कैरेक्टर बना के थमा देते हैं। फिर उसके बाद हर अपडेट में हर कैरेक्टर की स्किल में उंगली भी करते रहते हैं, और कभी कभी तो डबल डबल उंगली कर देते हैं, जैसे इन भाई साहब की स्किल के साथ हुआ था। और जब ये अपडेट के बाद स्किल चेंज कर देते हैं ना, तो तब सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो भी स्किल चेंज हुई होती है वो वहां पे इंग्लिश में लिखी होती है, और आधी से ज्यादा फ्री फायर की जनता को तो। लेकिन तुम टेंशन मत लो यार, जब जब तुम्हारे ऊपर अन्याय की बारिश हुई है, तब तब तुम्हारे भाई ने झाड़ू लेके उन बादलों को हटाया है। मतलब आज मैं आपको बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ फुल मैप के लिए और सीएस रैंक के लिए, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर बताऊंगा जिनको आप लोग सिचुएशन के हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन यार बड़े दिन हो गए, लाइक वाले बटन की तरफ थोड़ा नजर वजर घुमा लो, थोड़ा उसको दबा दो, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर भी थोड़ा रहम कर दो भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल मैप कॉम्बिनेशन की। तो फुल मैप में क्या होता है कि बहुत बार ना ऐसी सिचुएशन बनती है जब हमें कहीं से कहीं पे निकल के भागना होता है, लेकिन हमारे पास ग्लू वॉल ही नहीं होती, तो फिर हम वहां से निकल के भागने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड एक और चीज बहुत होती है फुल मैप में, वो ये है कि उसमें हमें मेडिकेट की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है, और फिर हेल्थ कम होने की वजह से हम लोग बहुत बार मर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक्टिव कैरेक्टर में दो में से किसी आप लोग एक कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। पहले का नाम है वुकोंग और दूसरे का है के कैरेक्टर, और वुकोंग को आप तब यूज करना जब आप अपनी स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, क्योंकि स्क्वाड के साथ खेलते हुए भाई मेडिकेट कोई ना कोई दे ही देता है ना, तो ऐसे में के कैरेक्टर को ले जाने का कोई फायदा नहीं है। और साथ में जब स्क्वाड मैच होता है तो तब भाई पूरी की पूरी स्क्वाड हमारे ऊपर एक साथ रश भी कर देती है, ठीक है, तो तब भाई वुकोंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम आ सकता है। जैसे कि हम किसी एक बंदे को नॉक करेंगे, फिर झाड़ी बन जाएंगे, फिर दोबारा किसी एक को नॉक करेंगे, फिर दोबारा बन जाएंगे, है ना, ऐसे हम लोग अनलिमिटेड टाइम झाड़ी बन सकते हैं, और उसमें डिफॉल्ट एम भी काम नहीं करता, और हम अपने टीममेट को रिवाइव भी दे सकते हैं झाड़ी बन के, है ना। इसीलिए अगर आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो ना बीआर रैंक, तो भाई वुकोंग को ही लेके जाना, और अगर सोलो में खेल रहे हो ना बीआर रैंक, तो फिर तो भाई के कैरेक्टर जिंदाबाद है, क्योंकि सोलो में तो मेडिकेट की दिक्कत भाई बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और एक बार मर गए ना तो दोबारा कोई चांस भी नहीं होता वापस आने का। बात करें इसके साथ यूज होने वाले पैसिव कैरेक्टर की, तो सबसे पहले स्लॉट में ना आपको मैक्सिम लगा लेना है, क्योंकि इससे आप मेडिकेट को जल्दी जल्दी लपेट पाओगे, क्योंकि बिना मैक्सिम के एक मेडिकेट लगाने में 4 सेकंड लगते हैं, और मैक्सिम के साथ लगाने में 3 सेकंड लगते हैं, तो इसीलिए मैक्सिम लगा लेना। सेकंड स्लॉट में रखना है आपको रफेल कैरेक्टर को, और ये कैरेक्टर तो भाई ये मान लो कि बस बीआर रैंक के लिए ही बना है, क्योंकि बीआर रैंक में बहुत लोग ना लॉन्ग रेंज में चलाने के लिए कोई ना कोई स्नाइपर लेते हैं, या फिर एक मार्क्समैन राइफल ले लेते हैं, जैसे कि वो वुडपैकर, एसकेएस और एसीडीटी, मेरा मतलब है एसीएटी वगैरह जो होती है। तो जब आप इस कैरेक्टर को लगा के किसी भी स्नाइपर या फिर मार्क्समैन राइफल चलाओगे ना, तो उसमें भाई साइलेंसर अपने आप ही लग जाएगा, मतलब एनिमी को कुछ नहीं पता चलने वाला कि गोलियां आखिरकार आ कहां से रही है। साथ में एक और चीज बहुत होती है बीआर रैंक में, वो ये है कि जब हम किसी बंदे को नॉक कर देते हैं तो वो भाई रिवाइव भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा दूर होता है ना, तो वो अपने टीममेट से रिवाइव मांग लेता है, तो उस चीज से भी परेशान रहते हैं यार लोग। लेकिन इस कैरेक्टर को लगा के अगर आप किसी बंदे को नॉक करोगे, तो जब तक उसको खुद पता चलेगा कि वो नॉक हो गया है, उससे पहले तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये भगवान क्या जुलुम है। और जो लास्ट स्लॉट में कैरेक्टर लगाना है उसका नाम है कैली, क्योंकि कैली के बिना आपकी बीआर रैंक की जिंदगी ना एकदम धीमी धीमी हो जाएगी, और बीआर रैंक में भाई वैसे भी बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, इसीलिए कैली बेस्ट रहेगी। तो बीआर रैंक का कॉम्बिनेशन हमारा बनके एकदम तैयार हो चुका है। अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो के कैरेक्टर के साथ मैक्सिम, रफेल और कैली को लगाना है, और अगर डुओ या स्क्वाड खेल रहे हो तो भाई वुकोंग के साथ मैक्सिम, रफेल और कैली को लगाना है। और हाँ, आप ना बीआर रैंक में मैक्सिम की जगह पे लियोन कैरेक्टर को भी लेके जा सकते हो। तो लियोन की एबिलिटी ये होती है कि जब आपको कोई डैमेज देगा, और डैमेज देना जब वो आपको बंद कर देगा, तो उसके बाद ना आपकी 60 हेल्थ भाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं सीएस रैंक के लिए कॉम्बिनेशन की। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, तो भाई कर दो यार, बहुत गलत बात है भाई, बहुत मेहनत लगती है यार सच में।
वीडियो बनाने में, ठीक है ना, तो कर दो प्लीज लाइक। तो सीएस रैंक में तो भाई भर भर के रश होता है, इसीलिए वहां पे ना हमें एक ऐसा एक्टिव कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बहुत बार यूज कर पाए। तो अगेन आपको सीएस रैंक में भी भाई एक्टिव में वुकोंग को लेके जाना है, क्योंकि उसे हम यार बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इसके साथ पैसिव कैरेक्टर की, तो सबसे पहले स्लॉट में आपको लगाना है थीवा कैरेक्टर को, क्योंकि थीवा कैरेक्टर की एबिलिटी को ना भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रखा है इस टाइम पे, है ना, जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि इसको लगा के हम अपने टीममेट को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में रिवाइव कर सकते हैं भाई, 1 सेकंड में। और साथ में जिसको रिवाइव करोगे उसको 3 सेकंड में 60 HP और मिल जाएगी, है ना। तो भाई इस कैरेक्टर को तो अब आप लोग सीएस रैंक में लेके ही जाना। उसके साथ अगर आपके पास अवेकन अलवारो है ना, तो उसको लेकर जाना, जिससे कि आप लोग कोई भी ग्रेनेड फेंकोगे तो वो फटने से 1 सेकंड पहले ना वो एक ग्रेनेड 3-4 ग्रेनेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक बड़ी रेंज में धमाका करेगा और ज्यादा धमाका करेगा। उसके बाद लास्ट स्लॉट में आपको लगाना है जोटा को, ठीक है, जिससे कि आप लोग कोई भी गन चलाओगे तो थोड़ी थोड़ी हेल्थ आपकी बढ़ती रहेगी, और अगर किसी को नॉक कर दोगे तो एकदम से 30-40 HP बढ़ जाएगी। और पहले जो जोटा कैरेक्टर था ना, वो पहले सिर्फ और सिर्फ SMG गन के लिए यूज होता था, लेकिन अब वो हर एक गन के लिए यूज होता है, इसीलिए मैं जोटा को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो सीएस रैंक का भी कॉम्बो हमारे पास बनके तैयार हो चुका है, एक्टिव कैरेक्टर में लगाना है वुकोंग और उसके साथ साथ लगाना है थीवा, अलवारो और जोटा। और ये वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने आपको फुल टू फुल रिसर्च करके बताए हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई भी कमी नहीं होने वाली। और अब मैं आपको बोनस के तौर पे 2-3 कैरेक्टर और बता देता हूँ, जो कि अगर आप लोग चाहो तो अपने कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सीएस रैंक में ग्रेनेड का यूज नहीं करते, वैसे तो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर अलवारों की जगह पे मोको को लेके जाना, जो कि एनिमीज की लोकेशन मार्क कर देता है। या फिर जो हयाटो कैरेक्टर है वो भी सीएस रैंक का ही कैरेक्टर है, तो उसको भी लेके जा सकते हो। और अगर आप सीएस रैंक में वुकोंग कैरेक्टर को यूज करते करते बोर हो गए हो ना, तो भाई आप लोग ना होमर कैरेक्टर को भी लेके जा सकते हो, जो कि एक ड्रोन फेंक के मारता है और एनिमी की मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड कम हो जाती है। लेकिन होमर कैरेक्टर में ना एक दिक्कत रहती है, वो ये है कि जब हम एक बार उसका यूज कर देते हैं उसके बाद हम बहुत देर बाद उसका यूज कर पाते हैं, इसीलिए वुकोंग कैरेक्टर ही सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। लेकिन बीच बीच में अगर आप लोग होमर लगा के खेलोगे ना तो भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और हाँ यार, जल्दी से इंस्टाग्राम पे आके फॉलो भी कर लो, आपके भाई एक फॉलो और एक लाइक से ना भाई वीडियो पे और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है, तो भाई प्लीज कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको केडी और हेडशॉट रेट को जल्दी जल्दी बढ़ाना है ना सीएस रैंक में, तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है इस पे फटाफट से क्लिक कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।